रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा बंदूक का जवाब बंदूक से ही मिलेगा। उद्धव ठाकरे के बाद अब एकनाथ शिंदे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा ईसी को चुनने दे असली शिवसेना। ओवैसी ने श्रीलंका से की भारत की तुलना, कहा एक दिन आएगा जब पीएम आवास में घुसकर बैठेंगे लोग। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले शख्स की मौत, सरकार ने दिया उच्च स्तरीय जांच के आदेश। शाह नड्डा के सामने भाजपा नेता का बयान, 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे पार्टी का चेहरा। टीएमसी में कामराज प्लान लागू करेगी ममता, चार दिन में दूसरी बार बुलाई कैबिनेट बैठक, सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले सकती है। राज्यसभा के कामकाज में 16% गिरावट, मानसून सत्र में उच्च सदन में कोई विधेयक नहीं हुआ पारित, 23 सांसद सस्पेंड। हिमाचल में बारिश के साथ बर्फबारी, लाहौल स्पीति में पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, पुलिस की सलाह सफर करने से बचे। बिहार के मंत्री बोले आप जिंदा हैं मोदी की वजह से, राम सूरत राय ने कहा प्रधानमंत्री की वजह से देश में सुकून है। कई राज्यों में बारिश बाढ़ का दौर जारी, दार्जिलिंग में बालासन में फंसे 11 छात्रों का रेस्क्यू, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बाढ़ के हालात। पात्राचौल घोटाले में संजय राउत गिरफ्तार, 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने रात 12 बजे किया अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में 10 कांवड़ियों की मौत, जनरेटर के तार से पिकअप में दौड़ा करंट, जल चढ़ाने जा रहे थे 16 श्रद्धालु झुलस। नड्डा बोले सब खत्म हो जाएगा, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी, हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। वोटिंग से पहले बोली अलवा, उपराष्ट्रपति चुनाव में 100 महिला सांसदों का वोट मुझे ही मिलेगा। धनखड़ ने गवर्नर हाउस को पार्टी ऑफिस बना दिया था। गुजरात के कच्छ की रोगन कला, पीएम मोदी अपने दोस्तों को देते हैं यही गिफ्ट, कच्छ के 2 परिवार ही जानते हैं ये कलाकारी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, वकील अभयनाथ यादव का हार्ट अटैक से निधन। गोंडा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों के सामान समेत नई मोटरसाइकिल जलकर हुई खाक। सफाई कर्मी को कैची मार कर किया घायल, मेरठ में साथी पर हमले से सफाई कर्मियों में गुस्सा, जांच में जुटी पुलिस। साइबेरियन पक्षी पानी के बहाव में बहता हुआ पहुंचा संगम, मछुआरों ने पकड़कर नदी किनारे छोड़ा, बोले पहली बार देखने को मिला ऐसा पक्षी।
प्रधान के खुदवाई गड्ढे में डूबकर बच्चे की मौत। चौयत भवन में भराव के लिए आबादी में कराई गई थी खुदाई, बरसात के बाद भर गया था पानी। तेजू महल का अभिषेक करने की घोषणा पर हिंदूवादी नजर बंद, रात भर रहे फरार, सुबह 3 गिरफ्तार, बोले जारी रहेगा संघर्ष। कासगंज में पुलिस की 25,000 के इनामी से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, 5 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या कर हुआ था फरार। हरदोई में युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, शादीशुदा प्रेमिका से चल रहा था इश्क, उसी को लेकर घर में हुआ था विवाद। फतेहपुर में यमुना नदी का बढ़ रहा जलस्तर, एसडीएम ने किया निरीक्षण, नाव के संचालन पर रोक लगाने के दिए निर्देश। एक्सप्रेसवे पर घूमने वाली हथनी मालिक को सौंपी गई, पूर्व सीएम ने किया था ट्वीट, सरकार के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में काशी विश्वनाथ, पाकिस्तान की सिंधु सहित 12 नदियों और 3 समुद्र के जल से हुआ अभिषेक। फिरोजाबाद में 15 दिन में मिले टीबी के 60 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने 16 जुलाई से शुरू किया था अभियान, घर घर जाकर की थी जांच। रक्षाबंधन पर डाक विभाग का बहनों को तोहफा, इटावा में डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए, निःशुल्क पहुंचेगी राखी। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 आरोपियों को पहले भेजा जा चुका है जेल, गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में हुई थी मारपीट। मऊ में 3 भाई गंगा में बहे, दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, नहाते समय पैर फिसला। रायबरेली में आस्तिक बाबा के खुले कपाट, आज से होंगे दर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से होगी निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस। सावन पर बवाल कराने के लिए कावड़ियों पर फेंके पत्थर, बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जरेली गांव का मामला, कावड़ियों ने किया रोड जाम। बदायूं में गुंडों ने ढाबे पर पीटा युवक को, वीडियो वायरल, पुलिस की करीबी टोली ने की वारदात, नहीं लिखी गई रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में जेसीबी में लगी आग, आग देखकर ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सोनभद्र में थाने पर हुई 5 विवाहित जोड़ों की काउंसलिंग, साथ रहने को तैयार हुए सभी जोड़े, 3 अन्य को बुलाया गया दोबारा। शूटर के नाम पर 7वीं के छात्र से वसूली रंगदारी, शशांक पांडे का वीडियो भेजकर ट्रांसफर कराए 27,000 रुपए, एफआईआर दर्ज। भदोई में डीएम कावड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, मध्य रात्रि में एसपी से साथ औचक निरीक्षण करने निकले। फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर सराफ एजेंट से लूट, 1 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और नकदी भरी बैग में छीन कर फरार। फ्री बियर नहीं देने पर दुकान पर फायरिंग, सेल्समैन ने छिपकर बचाई जान, भागते समय 3 राउंड चलाई गोलियां। सात साल की बच्ची से स्कूल में दुष्कर्म, एटा में टीचर दलिया का पैकेट देने के बहाने ले गया, डीएम एसएसपी ने पहुंचकर की जांच।
ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकान में की तोड़फोड़, तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, 78 लोगों पर मुकदमा। में पुलिस अब लेखपाल भर्ती परीक्षा में वही गैंग, जेल से छूटा तो फिर सेंधमारी करने लगा, दो महीने पहले हायर किए सॉल्वर। अमरोहा में कांवड़ यात्रा पर हमले के बाद भोपाल कांवड़ियों ने पुलिस चौकी घेरी, नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, किया हंगामा। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में योगी सरकार, साथ आईपीएस अफसरों का किया तबादला, लखनऊ में एसबी शिरोजकर, नए सीपी कानपुर के कमिश्नर भी बदले। मां ने एक साल की बच्ची को ट्रैक्टर के नीचे फेंका, देवर से खेत जोतने पर हुआ विवाद, बोली फैसले के बाद बोई जाएगी फसल। बारिश के बाद हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जल स्तर, कई गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। ग्रेट पे मामले को लेकर उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। बद्रीनाथ हाईवे के लामबगढ़ में उफान पर आया नाला, पुलिस ने धाम आने जाने से रोके 1700 तीर्थयात्री। ऋषिकेश में नशा मुक्ति केंद्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, हरिद्वार में खतरे के निशान पर बह रही गंगा। आफत की बारिश, उत्तराखंड के श्रीनगर में देर रात फटाफट दल, 100 नाली से अधिक खेतों में भरा मलबा। एसएससी पेपर लीक मामले में सीजेएम कोर्ट ने नैनीताल से कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार, अब तक 12 आरोपी हिरासत में। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट, 7 जिलों के बाशिंदों को सजग रहने के निर्देश। पंचायत और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाए कार्यकर्ता, भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया आह्वान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों में फहराए राष्ट्रीय ध्वज। उत्तराखंड में 100 से ज्यादा सड़कें बंद, चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह। उत्तराखंड में पेड़ पानी के संरक्षण और पॉलिथीन उन्मूलन की मुहिम को धार देगा आरएसएस, अखिल भारतीय स्तर की बैठक में दिया गया जोर। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ऑनलाइन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरुआत। ऐसे कैसे उत्तराखंड में हारेगा कोरोना, एक माह में 4 गुना बढ़ी संक्रमण दर, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन संस्था की रिपोर्ट। उत्तराखंड में युवक की बरामदगी को लेकर बजरंग दल ने थाने में किया हंगामा, धरने पर बैठे कार्यकर्ता पुलिस पर लगाए आरोप। अफगान सीमा पर गर्जी ईरानी सेना की तोपें, तालिबान के साथ खूनी झड़प, हालात तनावपूर्ण।
अफ्रीकी देश युगांडा, यूएन की शांति सेना ने की दो लोगों की हत्या, महासचिव गुटेरेस हुए नाराज, बोले सख्त कार्रवाई होगी। रूसी हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े अनाज निर्यातक की मौत, हाल ही में हुआ था खाद्यान्न समझौता। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 साल की उम्र में निधन, कोरोना से थे पीड़ित। इराक की संसद में दूसरी बार घुसे प्रदर्शनकारी, मुल्क पर मंडरा रहा गृह युद्ध के बादल, खून खराब की आशंका। लादेन की फैमिली से प्रिंस चार्ल्स को 10 करोड़ रुपए चैरिटी के लिए इस्तेमाल करने का आरोप, संस्था का इनकार। यूरोप में महंगाई, फूड आइटम खरीदने में लोगों की कमाई का 35% हो रहा खर्च, सरप्लस फूड ऐप महंगाई का तोड़ साबित हो रहा। न्यूयॉर्क में मंकी पॉक्स की दहशत, 1.5 लाख लोगों वाली चेतावनी के बाद स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान। एससीओ में नहीं मिले जयशंकर, बिलावल 1 फीट दूरी पर बैठे थे दोनों देशों के विदेश मंत्री, पाक मीडिया का दावा, बैंक चैनल बातचीत। रूस के लिए अमेरिका सबसे बड़ा खतरा, भारत से बढ़ाएंगे सहयोग, नेवल डॉक्ट्रिन पर साइन कर, बोले पुतिन। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन खत्म, अब रिटर्न फाइल करने के लिए 5,000 रुपए तक की लेट फीस लगेगी। महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, IOCL को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 14 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, 2 साल में पहली बार घाटा दर्ज किया। नौ माह बाद विदेशी निवेशक नेट खरीदार, जुलाई में FPI के जरिए आए 4,989 करोड़ रुपए। एलन मस्क बोले ट्वीट पर यूजर एंगेजमेंट कम हुआ, लोग बोले हम अब तुम्हें इग्नोर कर रहे। जून के मुकाबले जुलाई में बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां, 8 महीने के उच्चतम स्तर पर PMI। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कहा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की तुलना भारत से करना बेवकूफ। जुलाई में GST कलेक्शन में आया 28% का उछाल, सरकारी खजाने में आए 1.49 लाख करोड़। आज से होम लोन हुआ महंगा, HDFC ने फेड से बढ़ाए रेट्स, देनी होगी ज्यादा EMI। सड़क पर जल्द दौड़ेगी 2 और 3 व्हीलर कॉम्बो वाली गाड़ी, हीरो के Quark 1 जैसा होगा व्हील। आर्थिक संकट ने बांग्लादेश को भी घेरा, अब IMF से भी मदद की उम्मीद। स्मृति मंधाना का रौद्र रूप लगाई, ऐसे ऐसे खतरनाक शॉट, पाक गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टर्ब्स ने डाइव लगाकर पकड़ा अनबिलीवेबल कैच, यकीन करना हो रहा मुश्किल।
अक्षर वाली वर्मा का चमत्कार, जमीन को छू रही थी गेंद लेकिन लपक लिया ऐसा कैच, पाकिस्तानी बैटर देखती रह गई। हमारे पास विकेट के लिए मिट्टी तक नहीं, सलमान बट ने पीसीबी चीफ पर साधा निशान। सीडब्ल्यूजी 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टीम का हुआ पता साफ। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, स्मृति मंधाना ने खेला 63 रन की धमाकेदार पारी, 50 गेंद बाकी रहते टारगेट किया हासिल। राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टर अंशिता शेहुली ने जीता गोल्ड, भारत के खाते में आया 3रा स्वर्ण पदक। सीडब्ल्यूजी 2022 में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन क्वार्टर फाइनल में रीस लिंच से हारकर शिव थापा हुए बाहर। सीडब्ल्यूजी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने घाना को 11-0 से रौंदा, पहले ही मैच में दिखाया था। भारत वेस्ट इंडीज दूसरा टी20, आज टीम इंडिया के पास पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका। ईशा का एयरपोर्ट लुकाया सामने, ट्रेडिशनल अंदाज में स्पॉट हुई ईशा गुप्ता, फैंस देखी तारीफ। सलमान खान को मुंबई पुलिस ने दिया गन लाइसेंस, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दी थी एप्लीकेशन। रणवीर सिंह के फोटोशूट को लेकर हो रहे विवाद पर बोली करीना कपूर, लोगों के पास कितना खाली समय है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान दुखी होकर बोले प्लीज मेरी फिल्म को बायकॉट न करें। बॉलीवुड खत्म होने की कगार पर सवाल का जवाब करण जौहर ने दिया, बोले इस तरह की खबरें बकवास है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। धनश्री का डांस वीडियो वायरल, धनश्री वर्मा ने काजोल के गाने पर किया डांस, फैंस ने की जमकर तारीफ। आर माधवन ने रजनीकांत के पैर छू कर लिया आशीर्वाद, पोस्ट शेयर कर लिखा स्पेशल नोट, नाम भी नारायण भी आए नजर। हिंदी फिल्मों में देरी काम करने पर नागा चैतन्य बोले मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा था। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह का ग्रैंड रिसेप्शन, कपल ने अहमदाबाद में दी दूसरी रिसेप्शन पार्टी, कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। करीना ने लाल सिंह चड्ढा के लिए दिया था ऑडिशन, बोली मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सबको साबित कर सकूं इस रोल के लिए मैं परफेक्ट हूं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।